भारतीय सीमेवर लढताना भारतीय लष्करातले चार शहीद यांचे परिवार आज त्यांचा सत्कार या ठिकाणी घेण्यात आला आणि त्या निमित्ताने त्यांना जी काही एक सगळी समाजाची आस्था त्यांच्या बाजूने आहे त्यांच्या बाजूने जी काही एक संवेदना आहे ती देखील व्यक्त करण्याचा हा कार्यक्रम आहे। गेली 5 वर्ष सातत्याने हा कार्यक्रम या ठिकाणी होत असतो आणि मला अतिशय समाधान आहे की शेवटी जे आमचे शहीद आहेत त्यांच्या परिवाराला देखील हे वाटलं पाहिजे की समाज त्यांच्या पाठीशी आहे आणि म्हणून खरंतर 26 जानेवारीच्या निमित्तानेच हा कार्यक्रम आज या ठिकाणी घेण्यात आला आहे। हिंदी में सर, आज सांसद मनोज कोटक जी के द्वारा जो हमारे भारतीय सीमा पर जो हमारे जवान शहीद हुए ऐसे चार जवानों के परिवारों के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर लिया गया था। पिछले 5 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि हम लोग हमारे जो शहीद हैं उनके परिवारों को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सूचित करना चाहते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ है, पूरा समाज उनके साथ है और इसलिए उनका जब हमने स्वागत किया तो हमारे शहीदों की शहादत को एक प्रकार से हमने सलाम किया। आपने कहा कि किसी भी प्रकार का तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को अपमानित किया जाएगा, क्या कहना है? देखिए 26 जनवरी को जो घटनाएं दिल्ली में घटी है वो बहुत ही निंदनीय इस प्रकार की घटनाएं हैं। लाल किले की प्राचीर से हमारे तिरंगे का अपमान होना, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती और ऐसी भी घटनाओं में उनका तिरस्कार करने की जगह केवल मोदी जी के ऊपर सरकार के ऊपर कुछ लोगों ने टीका की, जो मैं ऐसा मानता हूँ बिल्कुल गलत है और हम सब ने एक सुर में यह कहना चाहिए कि चाहे जो हो तिरंगे का अगर अपमान होता है तो हम सहन नहीं करेंगे और उसमें हम सब लोग साथ हैं। दिल्ली में 26 जानेवारीला जी घटना झाली, लाल किल्ल्यावर भारताच्या तिरंगा झेंड्याचा अपमान ही अत्यंत निषेधार्य अशा प्रकारची गोष्ट आहे आणि अपमान झाल्यानंतर देखील काही लोकांनी सरकारवर माननीय पंतप्रधानांवरच टीका केली, जे मला असं वाटतं की अतिशय चुकीचं आहे। खरं म्हणजे संपूर्ण देशाने देशातल्या सगळ्या पक्षांनी एकत्रित येऊन आम्ही काही झालं तरी तिरंग्याचा अपमान सहन करणार नाही अशी भूमिका मांडली पाहिजे आणि जे लोक आमच्या देशाच्या शहीदांचा अपमान करतात, देशाच्या तिरंग्याचा अपमान करतात, अशा लोकांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे।